एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था तो देर सवेर होना जरूरी, और पत्नी बहुत नाराज थी। भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आया तुम्हारे लिए, अब तक जागू मैं, भोजन वो रखा है ठंडा है, अब मैं ही तुम्हारे लिए समय बनाने वाली हूं, ये कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली रख में रखा, बैठकर खाने लगा, दाल ठंडी थी। अब वो नहीं बोल रहा, अच्छा कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं, ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा बहू को समझाओ कि भाई कह दो माताजी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बिचारी बोल रहे, अच्छा हमसे मुंह लगाती हो, जवाब देती हो, अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देती हो, न बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे, कहना क्या उसमें, खा रहे हैं, आज इन्हें रोज ऐसी मिलेगी अगर ऐसी आओगी तो, हद हो गई, आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई पत्नी के सिर पर रख दी, बोलिए क्या करो, ये क्या करो, मजाक कर दो। उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी से रख देते, शायद गर्म हो जाए, अब नहीं ठीक हो जाए। आप देख लो यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है और यहां यही दिखाई देता है।